की जय। सद्गुरु कबीर साहेब की जय। परम पूज्य और गुरुदेव जी, अर्चनी वन्नी सन समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों एवं माताओं, आप सभी को विदित है कि आज गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में सब इकट्ठा हुए हैं और साथ साथ गुरुदेव जी एवं संतों का आगमन हुआ है। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता है, आज हम सबको यह अवसर मिला है। गृह प्रवेश, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मकान उद्घाटन भी कहते हैं। मकान किसे कहते हैं? मकान होता है छड़, सीमेंट, गारा, चूना, रेत, ईंट से बनाया गया इमारत को मकान कहा जाता है। ये अब तक ये मकान था ये, क्योंकि चूना, सीमेंट, छड़ से बना हुआ यह मकान था, घर नहीं था ये। लोग इसे मकान कहते थे और इस मकान को बनाने में जितना अच्छा मसाला डाला गया है उतनी ही अच्छी इस मकान के लाइफ होती है। जितना खराब मसाला रहेगा उतना ही कम लाइफ होगा। और ईंट लगाने के बाद ईंट से ईंट को जोड़ने के लिए क्या करते हैं? सीमेंट, रेत का मसाला बनाते हैं, उसको चिपका करके रखने के लिए, ताकि वह चिपका रहे, मजबूत बना रहे। यदि ईंट के ऊपर ईंट रखता चला जाए और उसमें मसाला ना लगाया जाए तो क्या होगा? यह मकान भरभरा करके गिर पड़ेगा। इमारत हम मकान तैयार नहीं कर सकते हैं। हम घर मकान नहीं बना सकते हैं बिने मसाले के। मसाला लगाए हैं क्योंकि वह चिपका रहे और उसका जोड़ मजबूत हो, तब यह इमारत खड़ा होता है, ये मकान खड़ा हुआ। हम सब ने मकान बनाया है, सबने अपने अपने लिए मकान बनाए, लेकिन मकान बनाने के बाद में उसे घर भी बनाना है। मकान और घर अलग अलग है, हाँ अलग अलग है। मकान में का अर्थ बताया मैंने, जहाँ चूना, सीमेंट, छड़, रेत, गिट्टी से बना हो उसे मकान कहा जाता है, घर नहीं कहा जाता है। घर उसे कहा जाता है जहाँ आपस में भाई भाई, देरान, जेठान, सास बहू, बेटे, माँ बाप, आपस में पति पत्नी आपस में प्रेम से रहते हैं, जहाँ शालीनता से जीवन जीते हैं, जहाँ मुस्कुरा करके जीते हैं, उस जगह को घर कहा जाता है, मकान नहीं कहा जाता है। इस मकान को मजबूत बनाने के लिए जैसे मजबूत मसाला डाला गया, मजबूत अच्छे मसाले का उपयोग किया गया, ठीक ऐसे ही घर को मजबूत रखने के लिए क्या करना होगा? घर को मजबूत रखना मतलब आदमी से आदमी को जोड़ना, परिवार से परिवार के सदस्यों का मेल मिलाप होना, परिवार के सदस्यों में एकता होना, परिवार के सदस्यों में प्रेम होना, परिवार के सदस्यों में आपस में बड़ों के लिए सम्मान होना, छोटों के लिए प्रेम का भाव होना, इसके लिए क्या चाहिए? जैसे मकान में मसाला लगता है ईंट को जोड़, ईंट के ऊपर ईंट है उसको जोड़ने के लिए, ठीक ऐसे ही घर को बनाने के लिए, परिवार को बनाने के लिए प्रेम रूपी मसाला चाहिए।
यदि प्रेम रूपी मसाला नहीं है तो हम कितने ही लाखों और करोड़ों की मकान बना ले, यह मकान मकान रह जाएगा, घर नहीं बन पाएगा और हम सुंदर जीवन नहीं जी सकते हैं। इसलिए हमको मकान को घर बनाना है। एक आदमी 50,000 में भी टीन का सेट खड़ा करता है और आपस में प्रेम से रहते हैं, उसको भी घर कहा जाता है। जहाँ प्रेम से रहते हैं उसको भी घर कहा जाता है। 50,000 में टीन का सेट खड़ा कर लेते हैं, अगर यदि प्रेम से रह रहे हैं तो वह घर बन जाता है। और करोड़ों और लाखों और करोड़ों रुपया भी लगाए हैं और आपस में प्रेम नहीं है, आपस में स्नेह नहीं है, आपस में मान और सम्मान का भाव नहीं है, बड़ों के लिए आदर का भाव नहीं है, तो हम मकान सिर्फ नरक का द्वार हो जाता है, घर नहीं बन पाता है। घर नहीं बन पाता है, सिर्फ खंडहर रहता है। वो खंडहर रहता है, जैसे खंडहर किसे कहते हैं, जहाँ सुना साना हो उस जगह को खंडहर कहते हैं, कोई नहीं रहते हों। अब आपस में प्रेम नहीं होगा तो क्या होगा, घर के घर में सदस्य हैं सभी सदस्य, लेकिन आपस में प्रेम नहीं है तो घर सुना सुना लगेगा। कोई एक दूसरे से बात नहीं करना चाहेंगे, एक दूसरे को प्यार नहीं देना चाहेंगे, बड़ों को सम्मान नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि वो घर नहीं बनाए उन्होंने तो मकान बनाया। और मकान बनाने का मतलब होता है, हम यदि हम घर नहीं बनाए सिर्फ मकान बनाए तो हमने धन को महत्व दिया, जन को महत्व नहीं दिया हमने। यदि जन को महत्व देते, धन को महत्व तो देना है लेकिन उससे ज़्यादा कहीं महत्वपूर्ण है जन को महत्व देना। जन को महत्व देना मतलब होता है घर के सदस्यों को सम्मान देना, बड़ों को आदर देना, छोटों को प्रेम देना, ये है घर बनाने का तरीका। हम जितना ही प्रेम रूपी मसाला लगाते हैं, जितना ही अधिक प्रेम रूपी मसाला लगाते हैं, उतना ही मजबूत आपका घर बनता चला जाता है, उतना ही मजबूत आपका घर बनता चला जाता है। और प्रेम के अभाव में बड़े बड़े घर टूटते चले जाते हैं। आप देखे होंगे कई घर बिखर जाते हैं, कई परिवार बिखर जाते हैं, घर बेघर हो जाते हैं। किसके अभाव में? प्रेम के अभाव में, संपत्ति के अभाव में नहीं, मकान के अभाव में नहीं। रहने के लिए जगह है उनके पास, पर्याप्त जगह है। एक मकान है जहाँ 10-10, 20-20 कमरे हैं, लेकिन 10-10, 20-20 कमरे में 10-20 आदमी नहीं समा पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रेम रूपी मसाला नहीं है। सिर्फ मकान बनाया गया है, वहाँ घर नहीं बनाए हैं। और घर नहीं बनाए इसलिए वह घर टूट रहे हैं, घर बिखर रहे हैं, घर उजड़ रहे हैं। कितने घर को टूटते हुए उजड़ते हुए देखा गया है। ऐसे इसलिए हम सबको महत्वपूर्ण देना चाहिए घर बनाने का। यदि आपके पास पैसा है, संपत्ति है, तो आप घर तो बनाइए, घर तो है, साथ साथ में मकान भी बनाइए। और संपत्ति नहीं है, कुछ नहीं है, तो भी आप घर बना सकते हैं। बहुत से लोग हैं इस दुनिया में जो आज भी झोपड़पट्टी में रहते हैं और सुख चैन के नींद सोते हैं। बहुत से लोग हैं झोपड़पट्टी में रहते हैं, आराम से सो लेते हैं और ज़िंदगी कट जाती है उनकी। लेकिन बहुत से लोग हैं जो राजमहलों में रहते हैं, घर हर कमरे एसी, बोलिए सद्गुरुदेव की जय। मैं कह रहा था मकान तो बहुत देखे हैं, लेकिन 10-10, 20-20 कमरे रहने के बाद में 10-20 आदमी उस घर में नहीं समा पाते हैं। क्यों? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि उन्होंने मकान तो बनाया, धन को महत्व दिया, जन को महत्व नहीं दिया, प्रेम को महत्व नहीं दिया, घर के सदस्यों को महत्व नहीं दिया, तो वह घर उजड़ते चला गया। आप बहुत से घर देखते होंगे, बड़े बड़े बंगले देखे होंगे, ऐसे ऐसे भी लोग देखे होंगे जो एक भाई मस्त एसी बंगले में रहते हैं, दूसरे भाई बगल में झोपड़पट्टी बना करके रहते हैं। अपने ही भाई के लिए दो पलंग बिछाने के लिए उनके घर में जगह नहीं होता है। क्यों जगह नहीं है? क्योंकि प्रेम नहीं है। प्रेम नहीं है इसलिए सब कुछ अभाव, सब कुछ टूटता चला जाता है, सब कुछ बिखरता चला जाता है। प्रेम में वो ताकत है कि सब कुछ को जोड़ता चला जाता है। प्रेम है तो परिवार चलता है, प्रेम है तब गांव चलता है, प्रेम है तब
राज्य चलता है, प्रेम है तब देश चलता है, प्रेम है तब राष्ट्र चलता है। प्रेम के अभाव में सब उजड़ते हैं, प्रेम के अभाव में सब बंदूक के ताने खड़े होते हैं, सब एक दूसरे को उंगलियां दिखाते हैं प्रेम के अभाव में। और प्रेम है तो जिसके पास में दो वक्त की रोटी है वो भी एक रोटी अपना खाएगा तो एक रोटी अपने साथी को देता है। इसलिए हम मकान बनाएं लेकिन साथ साथ में घर भी बनाएं। घर ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मकान महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत से बंगले खाली पड़े हैं, बहुत से मकान खाली पड़े हैं, उसका कौन सा महत्व है? कौन उसको आदर सम्मान देते हैं उस मकान को? कोई नहीं। लेकिन जिस घर में आपस में भाई भाई, सास बहू, देरान जेठान, घर के सदस्य आपस में प्रेम से रहते हैं उस घर का वैभव बढ़ जाता है। लोग कहते हैं किनके यहाँ है कि उसके घर वाले के हैं, उसके घर के यहाँ के हैं, बड़ा नाम से नाम के साथ कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस घर के रहने वाले सदस्यों में आपस में प्रेम है, आपस में स्नेह है। यदि हमने जन को महत्व दिया तो हमारा जीवन सुंदर होगा, और धन को महत्व दिया तो हमारे सुख सुविधाएँ तो बढ़ जाएगी लेकिन सुख नहीं बढ़ सकता है, शांति नहीं बढ़ सकती है। यदि हमने जन धन को महत्व दिया तो सुख और शांति नहीं बढ़ सकती है, सुविधाएँ बढ़ जाएगी, शारीरिक सुख मिल सकता है लेकिन मन की बेचैनी से बढ़ करके कुछ नहीं हो सकता है, मन की पीड़ा से बढ़ करके कुछ नहीं हो सकता है। मन की पीड़ा को समझना चाहिए, मन की बेचैनी को समझना चाहिए। और घर के सदस्य क्या चाहते हैं? आपस में प्रेम चाहते हैं, आपस में स्नेह चाहते हैं। घर के बुजुर्ग होते हैं, सास बहू होते हैं, आपस में प्रेम से रहे तो घर स्वर्ग बन जाता है। घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, माता पिता होते हैं, उनको संपत्ति नहीं चाहिए। उनको वो नहीं कहते हैं कि मेरे कमरे में एसी लगा दो, वो ये नहीं कहते हैं, बस उनको प्यार के बोल चाहिए, बस प्यार के मीठे वचन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बस दो वक्त की रोटी और प्यार के बोल चाहिए, इतना ही में घर सुंदर बनता है। बहुत बड़े मकान बनाने से घर सुंदर नहीं बनता है। एक चीज़ और याद देंगे, घर को सजाना और घर को संवारना ये बहनों के हाथ में होता है। भाई करते क्या हैं? नौकरी जाते हैं, ड्यूटी जाते हैं, खेत खलिहान जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, पैसा कमाते हैं, लाते हैं, जो चाहिए आप करते हैं। लेकिन घर को कितना अच्छा बनाना है, कितना अच्छा सजाना है, कितना अच्छा संवारना है। मतलब सजाना और संवारना का मतलब ये नहीं कि डाइनिंग सेट हो, सोफ़ा सेट हो, ये सब चीज़ नहीं। इससे घर सस्ता संवरता नहीं है, ये दिखने का चीज़ है। ये दिखने से सजना और संवरना नहीं होता है। आपके पास सब कुछ हो, सोफ़ा सेट हो, डायमंड सेट हो, सब कुछ है और माइंड अपसेट हो तो क्या मतलब है? सब कुछ बेकार चला गया। इसलिए घर को सजाना और संवारना बहनों के हाथ में है। यदि बहनें आपस में प्रेम से रहना सीख जाती है, देरान और जेठान, उस घर का माहौल आप जा करके देख लीजिए। आप जिस घर में देरान और जेठान आपस में प्रेम से रहते हो उस घर के माहौल अलग होगा, उस घर के बच्चों का संस्कार अलग होगा, उस घर के बच्चे संस्कारी होंगे, प्रेम की भाषा सीखेंगे। और साथ साथ इतना ही नहीं, देरान और जेठान आपस में प्रेम है तो निश्चित ही जानिए कि भाई भाई में प्रेम रहेगा, एकदम निश्चित है। लेकिन भाई भाई में प्रेम हो तो देरान और जेठान में प्रेम हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब अधिकतम घरों में देखे होंगे भाई भाई तो आपस में प्रेम से रहते हैं लेकिन देरान जेठान नहीं रहते हैं। लेकिन देरान और जेठान जहाँ प्रेम से रहते हैं वहाँ भाई भाई प्रेम से 99% आप देखेंगे रहेंगे। इसलिए प्रेम की ज़रूरत है। किसी ने कहा है कि घर आदमी बच्चे को अपने गाड़ी दे देते हैं, कार दे देते हैं, बंगले दे देते हैं, मोबाइल दे देते हैं, अच्छे अच्छे गाड़ियाँ खरीद देते हैं, कार खरीद देते हैं। किसी संत ने कहा बच्चे को कार बंगले सब नहीं चाहिए, बच्चे को संस्कार चाहिए। किसी संत ने कहा है पुत सपुत का धन संचय और पुत कपुत का धन संचय। यदि पुत्र सपुत्र है तो उसकी धन संचय की चिंता क्यों करते हो? यदि तुम्हारा पुत्र सुपुत्र निकलता है तो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, अपना राजमहल खुद तैयार करेगा, अपना विरासत खुद बनाएगा। यदि पुत्र सुपुत्र निकला तो, और यदि पुत्र आपका कुपुत्र निकलता है तो आप जितना ही इकट्ठा कर ले जीवन भर मर मर के कमाएंगे आप, कुछ ही सालों में खा पी करके
फूक देंगे, उसको बर्बाद कर देंगे, जुआ में, शराब में, कबाब में, यूं ही ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे और सब कुछ बर्बाद कर देंगे। इसलिए आप सहज होकर के, आपके पास इकट्ठा होता है, संपत्ति इकट्ठा करिए, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप अपने बच्चे को संस्कार दीजिए। आज माता पिता के हर बच्चे के माता पिता के मन में एक भाव होता है कि मेरे बच्चे अच्छे पोस्ट पर जाए। 90% माँ बाप के मन में भाव होता है कि मेरे बच्चे अच्छे पोस्ट पर जाए, नौकरी लग जाए, और उसके लिए खूब पढ़ाते लिखाते हैं, पूरी अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई झोंक देते हैं उसके नौकरी लगाने के लिए। यदि कोई कहते हैं कि उसकी नौकरी लगने वाली है 10 लाख रुपया, तो वहाँ भी वो देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हर माँ बाप के मन में सोच है और चाहते हैं मेरे बेटे अच्छे नौकरी लगे, अच्छे पोस्ट में जाए, अच्छे पैसा कमाए। बदौलत क्या मिलता है पता है आपको? बदौलत आपके बच्चे अच्छे पोस्ट में जाते हैं, अच्छे नौकरी में जाते हैं, खूब पैसा कमाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि इतना पैसा कमाते हैं कि एक दिन वो अपने माँ बाप को चिन्हना भी भूल जाते हैं, अपने माँ बाप से लोगों को मिलाने में शर्म महसूस करते हैं, इतने बड़े पोस्ट पर चले जाते हैं। क्योंकि आपने उसको सिर्फ डिग्रियाँ दी हैं, आपने सिर्फ उसको पैसा कमाने का तरीका बताया है, आपने संस्कार के बारे में कभी उनको बताया है? आपने कभी बच्चों को कहीं संतों के पास ले जाने के बारे में सोचे हैं? कहीं मेडिटेशन कराने के लिए सोचे हैं? इस बारे में कोई ख्याल नहीं है। 5% माँ बाप के मन में ये ख्याल नहीं है कि मेरे बच्चे नौकरी लगे या ना लगे, कम से कम एक अच्छा इंसान तो बन जाए। नहीं है किसी के मन में ख्याल। यहीं बैठे हैं, कोई नहीं अपने बच्चे को कहते होंगे तुम्हारी नौकरी लगे या ना लगे वो तो जाए, लेकिन तुम अच्छा आदमी बनो, कोई नहीं बोले होंगे अपने बच्चे को। अच्छा आदमी बनना महत्वपूर्ण है। पैसा से, नौकरी से यश कुछ देर मिलता है। प्रधानमंत्री है, 5 साल तक सम्मान मिलेगा, एक किनारे कर दिए जाएंगे, सम्मान घट जाएगा, यही स्थिति है पद की। लेकिन यदि व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, अपना महानता खुद हासिल करते हैं, चरित्रवान होते हैं, विचारवान होते हैं और मनुष्यता उनके अंदर होती है, तो वो जन्म और जन्म मृत्यु तक चलता है। वो हमको अपने जीवन को कितना अच्छा बनाना है अपने ऊपर है। किसी संत ने कहा है हमको जीवन में एक वक्त मिलता है, हमारा जन्म प्रकृति के अनुसार से होता है और मृत्यु भी समय आने पर हो जाता है, लेकिन जीवन कैसे जीना है ये अपने ऊपर रहता है। जन्म हमारे हाथ में नहीं है, मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जीवन हमारे हाथ में है, कैसे जीना ये हमारे हाथ में है। और जीना ही जीवन है। जितना अच्छा हम जीते हैं उतना ही हमारा जीवन है, मान के चलिए आप। जितना समय हम सदुपयोग करते हैं, जितना समय हम अपने को अच्छे मार्ग में ले जाने के लगाते हैं, उतना ही समय हमारा सार्थक जाता है, बाकी हम जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। कैसे बर्बाद करते हैं? जैसे आपने 5 मिनट जा करके किसी के साथ झगड़ा हुए, लड़ाई हुए, गाली गलौज दिए, मतलब आपने अपने ज़िंदगी के 5 मिनट खो दिया। आपने 5 मिनट खो दिए। आपने, आपको फिर से कहूँ मैं, वो 5 मिनट आप लौटा करके ला लीजिए, नहीं ला सकते आप, कदापि नहीं ला सकते आप। आपका 5 मिनट गया, आपके जीवन का 5 मिनट खत्म हो गया। आप उसको चाह करके नहीं लौटा सकते, लाखों और करोड़ों लगा करके उस 5 मिनट को आप वापस नहीं ला सकते हैं, उस वक्त को समय वापस नहीं ला सकते हैं। और जिस 5 मिनट में आपने खुरापात किया, लड़ाई किया, झगड़ा किया, वो 5 मिनट आपको 5 साल 25 साल तक घेरेगा आपको। मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे बोला, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था, वो बार बार आपके दिमाग में आएगा और अपनी ज़िंदगी को यूँ टीसते रह जाएंगे आप, यूँ टेसते रह जाएंगे अपने ज़िंदगी को, यही मन में एक पीड़ा बने रह जाएगी कि मुझे जैसे करना चाहिए था नहीं कर पाया, मुझे जैसे जीना चाहिए था नहीं जी पाया। मैंने पैसा तो कमाया, परिवार तो कमाया, पद तो मिला, लेकिन मुझे ज़िंदगी में जो हासिल करना चाहिए था शायद मैंने हासिल नहीं कर पाया, जो मुझे बच्चों को संस्कार के बारे में बताना चाहिए था वो बातें मैंने बच्चों को नहीं बता पाया। हर माँ बाप क्या बताते हैं? बेटा अच्छा पढ़ो लिखो, अच्छी नौकरी पर जाओ
और इतना अच्छे नौकरी में जाते हैं कि मैंने कहा आपके लिए समय नहीं रहते हैं। जब आप कहते हैं बेटा आ जाओ घर में कुछ देर रहे, तो कहते हैं माँ पापा मेरे पास समय नहीं है। कहते हैं बेटा बुढ़ापा की अवस्था है, भोजन बनाने वाले कोई नहीं है, तुम लोग आ जाओ या तुम्हारे पास हम लोग आ जाते हैं तो अच्छा है। तो क्या कहते हैं आपके बच्चे, पापा मम्मी तुम दोनों वृद्धाश्रम चल दो, मैं वहाँ पैसा भेज दूँगा, सब कुछ व्यवस्था हो जाएगा वहाँ, आपके लिए पास आपके पास टाइम नहीं है भा उनके लिए, आपके लिए आप उनके पास टाइम नहीं रह गया। क्यों ये सारी बात क्यों होता है? क्योंकि आपने जो दिया वही सीखा है, वो आपने पद दिया उनको, पैसा दिया, वैभव दिया, वो चीज़ कमाया, वो आप जो जिस जो योग्यता चाहते थे अपने बच्चे में वो योग्यता मिला उनको और वो योग्यता का उपयोग कर रहा है। आपने कभी तो ये नहीं कहा कि देखो संस्कार की बातें सुनो, अच्छे इंसान बनो, महान इंसान बनो, यदि अच्छे पढ़ लिख नहीं पाते हो तो कोई बात नहीं, कम से कम इंसान तो अच्छे बनो, कभी संतों की सत्संग सुनो, आपने कभी ये चीज़ नहीं कहा, जो चीज़ कहा वही मिला आपको। इसलिए आज भी अवसर है, अपने बुढ़ापे को सुखद बनाना चाहते हैं तो अपने जीवन को सुंदर बनाइए, अच्छे अच्छे मकान बनाइए, घर में एसी हो, गाड़ियाँ एसी हो, सब कुछ अच्छे हो, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आपके बच्चे संस्कारवान हों। यदि आपके बच्चे साइकिल में भी चले, आप कार नहीं देते हैं और संस्कार देते हैं और साइकिल में भी चले, तो भी व्यक्ति महान कहलाएगा, तो भी व्यक्ति महान कहलाएगा। लोग नाम लेंगे किनके बच्चे हैं, नाम लेंगे उनके बच्चे हैं, और आपके बच्चे पैसा खूब कमाया लेकिन खूब जुआ खेलता है, खूब शराब पीता है, तो कहेंगे किनके बच्चे हैं? अरे उनके बच्चे हैं, खूब शराब पीते हैं, खूब जुआ खेलते हैं। क्या मिला आपको? कुछ नहीं मिला, हासिल आया जीरो। आपको जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, अंतिम में आप हाथ मलते मलते रह जाएंगे। इसलिए आपके बच्चे योग्य है, पढ़ाइए लिखाइए, ये भी जरूरी है, बहुत जरूरी है आज के ज़माना में, अच्छे पोस्ट पर जाए, अच्छे पैसा कमाए, बिना पैसा के कुछ भी नहीं हो सकता, मैं ये भी चीज़ बताता हूँ, मैं बिना पैसा के आज कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन यदि संस्कार नहीं है तो कितना भी पैसा इकट्ठा कर ले कुछ भी नहीं मिलने वाला है। कुछ देर पैसा से चमक दमक दिखेगा, कुछ देर वैभव मिलेगा, कुछ देर पैसा से मान सम्मान मिलेगा, लेकिन जीवन में जो आत्म शांति चाहिए ना वो नहीं मिल पाएगा, पैसा से नहीं मिलता है। यदि पैसा से मिलता तो आपके पास 1 करोड़ रुपया हो और उस 1 करोड़ रुपया को आप छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर चले जाइए, चाहे भारत की राजधानी दिल्ली चले जाइए और वहाँ कहिए मेरे पास में 1 करोड़ रुपया है, इस 1 करोड़ रुपये से मुझे 1 तोला सुख दे दो, कहेंगे आदमी कहीं पागल तो नहीं हो गया, और शायद हम सब के सब पागल हैं। वही सुख से पैसा चाहते हैं हम, वही सुख से पैसा खरीदना चाहते हैं, वही सुख से सम्मान पाना चाहते हैं, वही सुख से प्रेम चाहते हैं, पैसा से नहीं मिलेगा। पैसा से मिलता ना तो आज गरीबों और संतों के किस्मत में सुख और शांति होता ही नहीं। क्या होता ये बड़े बड़े लोग हैं ना, पैसा से सुख और शांति को खरीद करके अपने गोदाम में भर के रख लेते हैं, लेकिन प्रकृति का नियम निराला है कि पैसा से बिकता नहीं है, ये आपस के प्रेम से जीने से बिकता है, आपस में आप स्नेह होने से बिकता है। जितना ही इसको बांटो उतना ही फैलता जाता है, उतना ही बढ़ता जाता है, ये भी नियम है। ये गणित के नियम के अनुसार से आपके पास में यदि 100 रुपया है और 100 रुपया में 50 रुपया किसी को देते हैं तो आपके पास 50 रुपये ही बचता है, लेकिन अध्यात्म के नियम के अनुसार से यदि आपके पास में प्रेम है और उस प्रेम को जितना ही बांटते हैं उतना ही चौगुना बढ़ता जाता है, वो घटता नहीं है, गणित के हिसाब से घटता है, लेकिन अध्यात्म की परिभाषा में अध्यात्म का जो प्रेम है, निष्ठा है, आपस में सम्मान है, बड़ों के लिए छोटों के लिए आदर का भाव है, वो बढ़ता ही चला जाता है। इसलिए सुंदर मकान बनाएं और साथ साथ संस्कार की बातें अपने बच्चों को सुनाएं। कभी कभी कोई भी मतपंथ के संत हो, कोई भी संप्रदाय के संत हो, सभी मतपंथ के संप्रदाय संतों से जुड़े, लेकिन स्वच्छ ज्ञान से जुड़े, स्वच्छ विचार से, कर्मकांड से नहीं, पाखंड से नहीं। आज भारत देश ऐसा देश है जहाँ कर्मकांड इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है, हर जगह मोक्ष बांट रहे हैं, हर जगह मुक्ति दे रहे हैं, ये यज्ञ कराओ, ये पूजा कराओ, सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये सब बकवास है।
ये सब लूटने का तरीका है। आदमी से बढ़ करके देवता कोई नहीं है, इस चीज़ को और जानिएगा आप लोग। इंसान से बढ़ करके भगवान कुछ भी नहीं हो सकता है, कोई देवी देवता नहीं है और इस दुनिया में इंसान ही महान है, इंसान से बढ़ करके और कुछ भी नहीं है। लेकिन आदमी विज्ञान पढ़ता है, विज्ञान का लेक्चरर भी हो जाता है और कॉलेज में जब स्पीच देता है तो कहता है पानी क्यों गिरता है जानते हो, कारण कार्य व्यवस्था से गिरता है पानी। लेकिन जब पानी नहीं गिरता है तो वही विज्ञान का लेक्चरर जा करके मंदिर में जा करके पूजा करता है। ऐसी स्थिति है भारत की। इसलिए इस दुनिया में इंसान से बढ़ करके भगवान कुछ भी नहीं हो सकता है। और सही ज्ञान को समझे, एक जिन विचारों से आप जुड़ रहे हैं अभी, जिन संतों और गुरुदेव जी का आगमन हुआ है, एक ऐसा स्वच्छ निष्पक्ष ज्ञान है जहाँ कर्मकांड नहीं। हमारे यहाँ कोई कर्मकांड नहीं है, कोई यज्ञ में, कोई पूजा में, कोई जप में, कोई तप में, कोई मुक्ति और मोक्ष की परिभाषा हमारे यहाँ नहीं मिलती है। हमारे यहाँ कर्मों पर जोर दिया जाता है। जिसका कर्म अच्छा होता है उसका जीवन अच्छा होता है। हमारे यहाँ इंसान को भगवान मानते हैं, संत गुरुजन ही आदरणीय होते हैं, इससे बढ़कर के भगवान और कुछ नहीं होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य आदमी, जो आदमी खाते हैं उनका अन्न छीना जाता है और जो नहीं खाते हैं उनको भोग चढ़ाया जाता है। जो नहीं खाते हैं उस मंदिर में जा करके पत्थर के देवी और देवता के पास में नाक रगड़ते हैं और जो क्षमा कर सकते हैं, प्रेम दे सकते हैं, स्नेह दे सकते हैं, उनसे तमाचा देते हैं, उनको अनादर करते हैं। ये भारत कैसा पतन की ओर जा रहा है। इसलिए एक निष्पक्ष, आज हमारे भारत देश में बहुत से ऐसे गुरु है जो कि एक व्यापार चल चुका है। हमारे मंदिर में आओ, हमारे गुरु से जुड़ो, हमारे यहाँ यज्ञ कराओ, हमारे गुरु को ले जाओ तो तुम्हारे घर की शांति अशांति भंग हो, अशांति शांति में आ जाएगी, आपका घर का माहौल बदल जाएगा, आपके घर में प्रेम बढ़ेगा, धन बढ़ेगा। ये गुरुओं का बिजनेस चल रहा है आज, कुछ नहीं होने वाला है ये सबसे। आपका कर्म अच्छा है तो सब कुछ अच्छा रहेगा। फिर आप कैसे भी मकान बनाइए, कोई भी दिशा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस मकान ऐसा हो कि आपके मकान में हवा अच्छा आए, प्रकाश अच्छा आए, फिर कोई दिशा शुल्क कोई मतलब नहीं है फिर। इसलिए आप सुंदर घर बनाइए, साथ साथ में अपने बच्चों को संस्कार के बातें बताइए, संतों को बुलाइए और निष्पक्ष ज्ञान से जुड़े। कबीर पारक संस्थान का एक विचार है जो कि हम लोगों को निष्पक्ष लगता है, आप लोगों को भी यदि निष्पक्ष लगता हो तो इन विचारों से आप जुड़िए। लेकिन आप पहले परखिए, यदि सही लगता है तब, और नहीं लगता है तो जहाँ सही लगता है वहाँ जाइए आप। मैंने कुछ देर तक घर कैसा होना चाहिए, घर का निर्माण कैसे होता है और घर सस्ता और समर्थता कैसे है, इस पर मैंने कुछ देर बोलने का प्रयास किया। अब हमारे बीच कुछ देर में गुरुदेव जी आएंगे, तब तक हमारे बीच संत श्री करमचंद साहब जी विराजमान हैं। आपसे निवेदन है कि अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। पूजनीय साहेब जी, वंदनीय संत समाज, इस गृह प्रवेश कार्यक्रम में भाग लेने वाले भक्त सज्जनों, गृह प्रवेश का कार्यक्रम क्यों किया जाता है, क्यों संतों को बुलाया जाता है, पूजा की जाती है, उनके विचार सत्संग सुने जाते हैं। घर में तो ऐसे भी रहा जा सकता है,
घर बन गया, रहना चालू किए, रहने लगे। लेकिन ऐसा नहीं है। गृह प्रवेश में हम संतों को बुलाते हैं, अपने आराध्य जन को बुलाते हैं, अपने पूजनीय को बुलाते हैं और बुला करके उनसे सीखते हैं कि हम घर में कैसे रहना शुरू करें। नया मकान है, अब इस नए मकान में किस विचार से जिए कि हमारा जीवन सफल हो, कोई ऐसी समस्या ना आए, ये भाव रख कर के हम संतों को बुलाते हैं कि एक नया विचार मिलेगा। और संत लोग आते हैं तो जो विचार देते हैं, जो निर्देश देते हैं, उसी निर्देश के साथ जब हम जीते हैं तब हमारा घर घर बनता है। घर बनाने वाला व्यक्ति क्या कभी ये सोचता है कि मेरा बुढ़ापा वृद्धा आश्रम में बीतेगा? मेरी आवाज़ सुन रहे सभी लोग अपने आप से पूछें कि मैंने घर बनाया, क्या मैं अपना बुढ़ापा, अपने जीवन के अंतिम पल अपने परिवार वालों से अलग रह के किसी आश्रम में बिताएंगे, वृद्धाश्रम में, ओल्ड होम में? नहीं, कोई नहीं चाहता है। तो जो हैं अभी वर्तमान में वृद्धाश्रम में, क्या वो लोग चाहते होंगे? वो भी नहीं चाहते हैं, लेकिन वो हैं, उनके पास मजबूरी है। ये मजबूरी हमारे साथ भी हो सकती है। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि संस्कार की कमी, जीवन की शुरुआत कैसे करनी है, नए घर में किस ढंग से रहें, कौन सा ऐसा विचार लेकर के हम जिए कि हमारा जीवन सफल हो। हर काम आदमी का केवल इसलिए होता है कि जीवन में दुख ना आए, समस्या ना आए, इसलिए आदमी पूजा करता है, पाठ करता है, सत्संग को सुनता है, भजन करता है, कमाता है, सब कुछ करता है केवल इसीलिए कि समस्या ना आए या कम आए। अब ये समस्या, अब मान लीजिए जीवन में कोई दुख आ गया, कोई विपत्ति आ गई, कोई रोग लग गया जो नहीं ठीक हो सकता है, डॉक्टर कह दिया आपको आजीवन ऐसे रहना है। अब रोग लग गया, अब वो क्या कर सकता है? अब तो उसको वैसे ही रहना है ना। सावधान पहले हुआ जा सकता है। आदमी भोजन ज़्यादा खा लिया, पेट खराब हो गया, अब तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, दवाई लेना ही पड़ेगा। सावधान कब हो सकता था? भोजन पाते समय, उसी समय से ही कुछ नियम बना लेता, नहीं मुझे दो ही रोटी खाना है या तेल वाली चीज़ें नहीं खानी है, तो वो बीमारी से बच जाता, दुख से बच जाता, परेशानियों से बच जाता। हम सब भी मकान की शुरुआत करते हैं, हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होता है, एक घर को छोड़ के दूसरे घर में रहना शुरू करते हैं, तो सोचते हैं कुछ ऐसा नियम बना लें, कुछ ऐसा विचार सुन लें कि जिसके साथ हम इस नए घर में रहेंगे, जिएंगे, तो
समस्याओं से बच जाएंगे। ये बात सत्य है। अगर हम उन विचारों को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे और उनके साथ चलेंगे तो हमें बहुत सारी समस्याओं से ये विचार दूर रखेंगे। और आदमी करता क्या है, सारे काम तो करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, यज्ञ करता है, हवन करता है, अखंड रामायण का पाठ करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, खूब दान पुण्य करेंगे, लेकिन जो विचार परिवर्तन है, जो सत्संग है, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है और जीवन फिर ज्यों का त्यों रह जाता है। मकान तो बहुतों के पास है लेकिन वो मकान काटता है। आदमी कमाने के लिए घर जाता है, सोचता है घर ना लौटूं, कुछ दिन तक बाहर ही रहूं, घर नहीं आना चाहता है। क्यों? घर के लोग बहुत प्रेम करते हैं, घर के लोग उसे नहीं पसंद करते हैं, नहीं देखना चाहते हैं। घर में जो होना चाहिए सामंजस्य, प्रेम, वो चीज़ की कमी है। बात वही है, सारी चीज़ें होते हुए भी सब व्यर्थ हो जाता है। खाना पीना रहना सब कुछ का जुगाड़ कर लेता है आदमी, मकान बना लेता है और घर में रोटी रख लेता है खाने के लिए। इतना होने के बावजूद भी वो घर उसे काटता है, पसंद नहीं करता है वो किसी को। कारण केवल विचार की कमी। उनके जीवन में जो विचार होना चाहिए, जो समस्याओं का निवारण कर सके, वो विचार नहीं है। कबीर साहब की एक पंक्ति है ना, कहाँ ही कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रारी निवेरे। लंबा पद है लेकिन उसकी एक अंतिम पंक्ति है ये, संतों घर में झगड़ा भारी, उसी की अंतिम पंक्ति है, कहाँ ही कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रारी, रारी मतलब झगड़ा, समस्या, उलझन, पीड़ा। गुरुवर कबीर साहब कहते हैं वो व्यक्ति मेरा है, अपना है, जो इन समस्याओं का समाधान कर ले। अभी हमारे साथी ने कहा कि घर को बनाने के लिए मसाला हम सही लगाते हैं, ईंट सही लगाते हैं, कौन सा पेंट करना है वो भी सही लगाते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन जो आदमी को जोड़ के रखे उसके लिए हम क्या करते हैं। इतने मकान बने हैं, इतने मकानों में हर मकान में 5-6-10 लोग रहते होंगे, लेकिन क्या कभी उन लोगों के अंदर ये विचार आया कि इसमें रहने वाली ईंटें तो आपस में जुड़ी हैं लेकिन इस मकान में रहने वाले व्यक्ति का मन भी जुड़ा है। उस जुड़ाव के लिए कभी क्या कोई परेशान, कोई मतलब कोई उपाय किया है, कोई उपक्रम किया गया है, कभी सोचा है कि यहाँ रहने वाले आदमी का मन भी मिलना चाहिए, मतलब आपस में जुड़ाव होना चाहिए, आपस में प्रेम होना चाहिए। इसके लिए बहुत कम लोग सोच पाते हैं। घर घर तभी बन सकता है जब तक वहाँ पर प्रेम रहेगा। हर आदमी अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहता है कि हमारे घर में सारी सुविधाएं हों और वो स्वर्ग जैसे लगे। पूज्य सदगुरु अभिलाष साहब का वाक्य सबको पता होगा, प्रेम में क्या है, स्वर्ग, बस आगे और है अनासक्ति में मोक्ष। ये स्वर्ग केवल प्रेम से बन सकता है। जिस प्रकार
भवन की ईंटें आपस में जोड़ने के लिए मसाला लगता है, मसाला काम करता है, उसी प्रकार आदमी को जोड़ने के लिए प्रेम काम करता है। और ये प्रेम के बिना अगर घर चलेगा, घर रहेगा, तो इसमें दो राय नहीं है कि हमारा बुढ़ापा वृद्धा आश्रम में बीते। हम किसी से कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिस घर में प्रेम है, क्या वो बच्चा अपने माता पिता को कभी वृद्धा आश्रम भेजेगा? सारी गलती हमारे ऊपर ही आती है। मैंने सारा काम तो किया, लेकिन प्रेम का मसाला कहाँ लगाना है इसके लिए कोई उपाय नहीं किया। आदमी सोचता भी नहीं है कि इसके लिए भी कुछ उपाय करना चाहिए। हमारे घर में नए बच्चे जन्म ले रहे हैं, वो क्या जानेंगे संस्कार क्या चीज़ है, उनको कौन सिखाएगा? हम तो कभी बता नहीं पाते, और हमारे यहाँ कुछ ऐसे संत गुरुजन आते नहीं कि जो इन्हें सिखा सकें। अगर कहीं आस पड़ोस में आ गए तो वहाँ भी जाने के लिए हमारे पास समय नहीं है, या हमारा लगाव नहीं, हमें इंटरेस्ट नहीं, हमारा मन नहीं। कहाँ जाएगा हमारा जीवन? घर कैसे बनेगा? रह तो रहे दसों साल से, बीसों साल से, अच्छी अच्छी नौकरी किए, अच्छा पैसा कमाए, लेकिन आज तक बनाते ही जा रहे हैं, बनाते ही जा रहे हैं, व्यवस्थित करने में लगे हैं इस जीवन को, लेकिन इधर से संभालो दूसरी तरफ फट जाता है। एक को मनाओ दूसरा रूठ जाता है। जहाँ जहाँ जोड़ते हैं लगता है कि जिंदगी बीत गई, और हम जोड़ ही रहे, इसको बना ही रहे, अपने घर परिवार को संभालने में आदमी कितनी मेहनत करता है, लेकिन वो मेहनत में कहीं चूक रह जाती है। वो चूक यही है कि सारा काम तो करता है, लेकिन जो आध्यात्मिकता का काम है उसको नहीं कर पाता है। गाड़ी एक चक्के से नहीं चल सकती है, गाड़ी चलने के लिए दो चक्का होना जरूरी है। पहला चक्का है मकान बनाने का, हमारा ईंट और सीमेंट। दूसरा चक्का है अध्यात्म का, आदमी के अंदर प्रेम। इन दोनों को मजबूत रखेगा तभी घर घर बन सकता है। और इसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए, जहाँ से ये प्रेम मिल सके, इसकी शिक्षा मिल सके, ऐसा विचार मिल सके, वहाँ से हमें अपने आप को जोड़ना चाहिए। सारा काम आदमी करता है सुख के लिए, और वो सुख केवल आदमी को प्रेम से मिलता है। इसके लिए वो इस पर कभी, लेकिन वो सोचता नहीं है, वो सोचता है ये सुख हमें पैसे से मिल रहा है, मकान से मिल रहा है, गाड़ी से मिल रहा है, पत्नी से मिल रहा है, अपने छोटे बच्चे का मुख देख के मिल रहा है, इस भ्रम में जीता है। जीवन में जो हमें कभी सुख मिलता है वो केवल प्रेम में मिलता है, आत्मीयता में मिलता है, जहाँ एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार होता है, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो बच्चा हो। और कुछ दिन बाद वही प्रेम घट जाता है, उस प्रेम में स्वार्थ आ जाता है, कुछ भावनाएं आ जाती है, अपने खाते में कुछ अधिक पैसा जमा करने के लिए, भाई से छुपा कर रखने के लिए भाव आ जाता है। और जहाँ ये स्वार्थ का भाव आया, फिर घर घर तो नहीं टूटता है, घर की दीवारें नहीं टूटती हैं, लेकिन प्रेम टूट जाता है। इस प्रेम को बना कर रखें, इस प्रेम के लिए उपाय करें, सत्संग करें, घर में ऐसी कुछ चर्चा करें, शाम को सब लोग एक साथ बैठकर कुछ ऐसे ग्रंथ का पाठ करें, ऐसे ग्रंथों पर मनन चिंतन करें, 10 मिनट 5 मिनट एक पन्ना कुछ ऐसा सदग्रंथ पढ़ें,
जिससे नए बच्चे और जो पुराने उनके लिए भी एक सीख मिले कि हमारे माता पिता क्या करते थे, कैसे जीते थे, उनकी आस्था किनके प्रति थी। और जब ये हमारे बच्चे नहीं जानेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं अगर वो हमें वृद्धाश्रम भेज दें तो। वृद्धाश्रम हम खुद जाने के लिए अपना रास्ता बनाते हैं। हमारा ही बेटा, उसकी इतनी हिम्मत कि हमको वृद्धाश्रम भेजे? हाँ, वो हिम्मत हम देते हैं उसको, संस्कार दे के, बेटा तू इस योग्य बन, तू एक ऐसी मशीन बन जो पैसा कमा सके। माता पिता को आदर और सम्मान की कोई जरूरत नहीं है, तो केवल पैसा कमा। कौन बनाता है? हम भेजते हैं और हम उसको ऐसा संस्कार देते हैं। हमने कभी उपाय ही नहीं किया उसके लिए कि उसे ये पता चले कि माता पिता क्या होते हैं, गुरुजन क्या होते हैं, संतजन क्या होते हैं, प्रेम क्या होता है, लगाव क्या होता है। जब हम खुद ये काम नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है, अगर तुम बच्चों को मंदिर का रास्ता नहीं दिखाओगे तो स्वाभाविक वो किसी दिन मधुशाला का रास्ता पकड़ लेंगे। कहीं ना कहीं तो जाएगा ही आदमी ना। स्वाभाविक है, जब वो नरम है, कोमल है, उनके विचार, उनके अंग, उसी समय से उन्हें अध्यात्म में लगाओ। हम अपनी कमाई के सारे जायदाद, कहा जाए सारी संपत्ति, अपने बच्चों को सौंप देते हैं, बराबर हिस्से में बांट देते हैं, लेकिन जो हमारा अध्यात्म है, जो हमारा संस्कार है, जो हमें गुरु से मिला है, हमारे पूर्वजों से मिला है, उसे लेने के लिए हम किस बच्चे को चुनते हैं? उसके लिए हमने तो कभी कोई प्रयास ही नहीं किया। बैंक में 1,00,000 है तो नामनी कर दिए अमुक बेटे के नाम, और कहीं जमीन है नामनी कर दिए किसी के नाम, नहीं भी नामनी किए तो मरने के बाद वो तो लड़के ले ही लेंगे। लेकिन जो हमारा अध्यात्म है, जो संस्कार है, जो शिक्षा है, जिसके सहारे हम पूरा जीवन अच्छा से जिए हैं, ये संस्कार भी उन्हें देना चाहिए। अगर वो हमारा अध्यात्म नहीं ले सकते तो हमारी जायदाद के भी वो कोई हकदार नहीं है। अगर हमारे बच्चे हमारा संस्कार, हमारा अध्यात्म नहीं अपना सकते तो उनको जायदाद की भी जरूरत नहीं है, उसको बर्बाद कर डालेंगे, नहीं संभाल पाएंगे वो। इसलिए जरूरत है कि जिस विचार में हम जीते हैं, जो संस्कार हमारे पास है, जिस ढंग से हम जीवन जिए, उसका भी कुछ हिस्सा उन्हें सिखाएं, उन्हें समझाएं, ऐसी जगह ले जाएं। हम तो सत्संग कर लिए, हमारे पिता ने हमको रास्ता दिखाया था, संत गुरुजन के प्रति प्रेम भक्ति सब सिखाई थी, लेकिन हम नहीं सिखा पा रहे हैं। आज क्या हो रहा है? आज से 25-30 साल पहले कहीं वृद्धाश्रम था? कोई नाम सुने थे? भी कोई आश्रम होता है वृद्धाश्रम, बूढ़ों का घर? कोई नहीं जानता था। लेकिन आज ऐसी हवा चली है कि जगह जगह देखो ढूंढो मिल जाएगा आपको, एक नहीं कई मिल जाएंगे। कभी जाओ वृद्धाश्रम में, देखो वहाँ की क्या हालत है, और उनसे बात करो तो बताएंगे, हमारा एक लड़का जापान में रहता है, एक ऑस्ट्रेलिया में रहता है, एक फ्रांस में रहता है, एक अमेरिका में रहता है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, इतने बड़े बड़े लोग हैं वो। तो जरूरत है खास बात संस्कार और प्रेम की। गुरु कबीर कहते हैं ना, प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच। प्रेम रूपी वस्त्र पहन करके जीवन जियो, नाचो। प्रेम रूपी वस्त्र पहनने का मतलब प्रेम से सराबोर होना, जिसमें स्वार्थ ना हो। आदमी प्रेम करता है तो कैसे? कुछ पाने के लिए, इनसे कुछ मिलता है इसलिए। पत्नी से प्रेम इसलिए करता है कि हम जब थके मांदे घर आते हैं तो गरम गरम दो रोटी दे देती है। जिस दिन वो बूढ़ी हो जाती है, भोजन नहीं दे सकती, उस दिन प्रेम घट जाता है। ये प्रेम नहीं होता है,
ये स्वार्थ होता है। नाम हम केवल प्रेम का दिए होते हैं, असली प्रेम होता है निस्वार्थ, जहाँ कुछ पाने की भावना ना हो, केवल देने की भावना हो। और जब यही प्रेम आएगा तभी घर में स्वर्ग उतर सकता है। घर में स्वर्ग उतरने के लिए ज़रूरत है कि हम सब के बीच, हम सब के जीवन में असली प्रेम हो, निस्वार्थ का, निष्कपट का, तभी हमारा घर बनाना और उसमें रहना जिस उद्देश्य के साथ हम रहना शुरू करते हैं वो उद्देश्य पूरा हो सकता है। मैं और अधिक कुछ ना कहूँगा, यहीं अपनी बात को विराम करूँगा और पूज्य साहब जी अब आ रहे हैं थोड़ी देर में, तब तक एक भजन सुनते हैं। भजन रखने के लिए हमारे बीच साध्वी श्री स्वर्णा साहब जी, आप एक भजन प्रस्तुत करें, तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव जी के विचारों से हम सब लाभ लेंगे। मत करो कबीर साहिब की जय, सद्गुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनी वंदनी संत समाज, सत्संग प्रेमी भक्त सज्जनों, भक्तिमती माताओं तथा प्यारे बच्चों, साहेब जी की ओर से मेरे लिए आज्ञा हुई है, आज्ञा पालन हेतु एक भजन प्रस्तुत है। दर्शन को तो साधु है, सुमिरन को गुरु ज्ञान, तैरन को आधीनता, डूबन को अभिमान, तैरन को आधीनता, डूबन को अभिमान, जो तू आया जगत में तो ऐसा कर ले, कर साहिब की बंदगी, भूखे को कछु दे, कर साहिब की बंदगी, भूखे को कछु दे। मात पिता सदगुरु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, मात पिता सद्गुरु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, माता ने जो कष्ट उठाया वह ऋण कभी न जाय चुकाया, उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया, माता ने जो कष्ट उठाया वह ऋण कभी
कभी न जाय चुकाया, उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया, जिनकी गोदी में पल कर हम कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, मात पिता सदगुरु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, मात पिता सदगुरु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर भगाया, हृदय में भक्ति का दीप जला कर हरि दर्शन का मार्ग बताया, तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर भगाया, हृदय में भक्ति का दीप जला कर हरि दर्शन का मार्ग बताया, बिन स्वार्थ के कृपा करे वो इतने बड़े उदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, मात पिता सदगुरु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, बोलिए सद्गुरुदेव की जय। देवियों एवं सज्जनों, इधर छोड़ दो, बाद में करना चुपचाप, बाद में। दुखरंजी और उनके साथी,
ने मकान बनाया है। 11 अप्रैल को इसका उद्घाटन होना था, इसी था, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन के कारण वह कार्यक्रम स्थगित हो गया था। आज संयोग हुआ, इस नए मकान का उद्घाटन और गृह प्रवेश संतों द्वारा आप लोगों ने सुना कि मकान और घर में क्या अंतर होता है। मकान दिखाई पड़ता है, घर दिखाई नहीं पड़ता। मकान आप किराए पर दे सकते हो या किराए पर मकान लेकर आप निवास कर सकते हो, लेकिन घर को आप किराए पर नहीं दे सकते और किराए पर आप घर नहीं ले सकते, क्योंकि वो दिखाई ही नहीं पड़ता। ये जो हाल दिखाई पड़ रहा है, कमरा है, बाथरूम है, किचन है, लेटरिन है और सब है, ये सिर्फ आपके शरीर को आराम देगा, आपके मन को आराम नहीं देगा। और जो शरीर को आराम देता है उसे मकान कहा जाता है, और जिससे हमारे मन को आराम मिलता है उसे घर कहा जाता है। संतों ने बताया आपको, मकान बनता है ईंट, लोहा, सीमेंट, लकड़ी आदि से, लेकिन इसे घर नहीं बनता। घर बनता है प्रेम और विश्वास से, परस्पर में समता और एकता से। घर में सबको जगह मिल जाएगी, मकान में जगह मिलना कठिन हो जाता है। रात्रि का समय था, एक मुसाफिर उस रात्रि में यात्रा कर रहा था। संयोग ऐसा कि जोरों से वर्षा होने लगी, हवा चलने लगी, रात्रि का समय, अंधकार, वर्षा भी और हवा भी। मुसाफिर भींगा हवा से ठंडी लगने लगी, सोचा कि रात्रि कहाँ जाऊँ। चल रहा था तो एक किनारे, तो सड़क किनारे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई पड़ी। दरवाज़ा खटखटाया, एक संत ने दरवाज़ा खोला और कहा, भाई क्या बात है? मुसाफिर ने कहा, बाहर जोरों की वर्षा हो रही है, तेज हवा चल रही है, मुझे बहुत दूर जाना है, इस अंधेरी रात में कहाँ जाऊँ? क्या रात्रि आराम करने के लिए जगह मिल जाएगी? संत ने कहा, भाई मेरी झोपड़ी बहुत छोटी है, इसमें एक आदमी सो करके रह सकता है, दो आदमी सोने के लिए जगह नहीं है यहाँ पर, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अकेला इसमें सो करके रह सकता हूँ, लेकिन तुम आ गए तो हम दो आदमी बैठ करके रात काट लेंगे, अंदर आ जाओ। अंदर चला गया, बैठ गया, जितनी जगह थी कि दोनों बैठ गए। थोड़ी देर पश्चात फिर खटखट की आवाज़ सुनाई पड़ी। दरवाज़ा खोला तो एक आदमी उसी बरसात में भींग करके ठंडी हवा से कांप रहा था कि क्या चाहते हो? कि मैं, मुझे दूर जाना है, अंधेरा है, वर्षा हो रही है, हवा चल रही है, क्या रात भर ठहरने के लिए जगह मिलेगी? उस संत ने कहा, ये झोपड़ी इतनी छोटी है कि यहाँ एक आदमी सो करके रह सकता है, दो आदमी बैठ करके रह सकते हैं, लेकिन तीन आदमी खड़े खड़े रह सकते हैं, तुम भी आ जाओ।
तीनों ने खड़े खड़े रात बिता दी। जब दिल में जगह होती है ना तो मकान में जगह मिल जाएगी, घर में जगह मिल जाएगा, और दिल में जगह नहीं होगी तब आपको जगह कहीं नहीं मिलेगी। और दिल में जगह कब होती है? जब दिल में प्रेम होता है, इंसानियत होती है, मानवता होती है, उदारता होती है, तब। ये पैसा और जमीन से आपके मन में उदारता नहीं आएगी, दया नहीं आएगी, प्रेम नहीं आएगा। उसके लिए आपको हृदय का धन खर्च करना पड़ेगा, तब आता है। पैसा देकर आप मकान खरीद सकते हो, पैसा देकर आप किसी का प्रेम नहीं खरीद सकते। पैसा देकर आपके पास पैसा है, अब पैसा होने के साथ साथ आपके पास ताकत भी है शरीर में, और साथ साथ अधिकार भी है, बड़ा पद भी है। तो ये पैसा, ताकत और अधिकार के बल पर आप किसी के सिर को झुकवा सकते हो, लेकिन पैसा, कितना भी पैसा आपके पास हो, कितनी भी ताकत आपके पास हो, कैसा भी अधिकार आपके पास हो, आप किसी के दिल को झुका नहीं सकोगे। दिल झुकेगा आपके प्रेम से, स्नेहिल व्यवहार से, आदर से, कोमल मीठी वाणी से, और इन्हीं से घर बनता है। इसलिए मकान बनाना तो बहुत लोगों को आता है, अच्छे अच्छे इंजीनियर से लोग राय लेते हैं, और कई लोग तो मकान बनाने के लिए इंजीनियर रख लेते हैं, लेकिन बड़ा सा बड़ा इंजीनियर आपके घर का नक्शा बना देगा, मकान का नक्शा बनाएगा, घर का नक्शा नहीं बनाएगा। घर बनाने के लिए आप इंजीनियर नहीं रख सकते, उसके लिए आपको स्वयं परिश्रम करना होगा। घर आदमी स्वयं बनाता है, मकान तो मजदूरों से भी बनवा लेता है। उसके लिए आवश्यक बताया था संतों ने, जब आपस में प्रेम होता है, उदारता होती है, तब मकान घर बनता है। लेकिन ये प्रेम और उदारता आएंगे कैसे जीवन में? हर आदमी सामने वाले से प्रेम चाहता है और शिकायत करता है कि अमुक व्यक्ति मुझे प्रेम नहीं करता। आप प्रेम देना शुरू करो, आपको प्रेम मिलता चला जाएगा। बाहर चीज़ें कुछ ऐसी होती है, आपके पास पैसा है, उस पैसा को आप थोड़ा 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 लोगों को बांटते जाओ, और जितना बांटते जाएंगे आपका पैसा घटता चला जाएगा। फिर भी आप बांटते गए तो ऐसा समय आएगा जब आपका पैसा पूरा का पूरा खर्च हो जाएगा, आपके पास कुछ पैसा नहीं बचेगा। आज भोजन है, आप भोजन बांटना शुरू करो, बांटते बांटते वो भोजन खत्म हो जाएगा। लेकिन आप प्रेम बांटना शुरू करो, जितना बांटोगे आपका प्रेम उतना बढ़ता जाएगा। वो कभी सूखने वाला नहीं है उसका हृदय। हाँ, लेकिन आप याद रखिए, प्रेम बांटने के विपरीत यदि आपने बैर बांटना शुरू किया तो बैर भी उतना बढ़ता चला जाएगा। ईर्ष्या बांटना शुरू किया तो ईर्ष्या बढ़ती चली जाएगी, और आपका मकान, यदि आपस में एक दूसरे के लिए ईर्ष्या है, एक दूसरे के लिए घृणा है, एक दूसरे के लिए बैर भाव है, और कटुता है, तब मकान घर नहीं बन पाता,
मकान नरक बन जाता है। दुर्भाग्य यह है कि लोग मकान को नरक बनाना जानते हैं, स्वर्ग बनाना नहीं जानते। आपका ये घर ये मकान स्वर्ग बन सकता है और आपका ये मकान मंदिर बन सकता है। ये देवियाँ प्रायः मंदिर जाती है, अमुक पर्व है तो अमुक पर्व है, आज ये तिथि है तो आज वो तिथि है, मंदिर जाती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो घर में ही मंदिर बना लेते हैं, अच्छी बात है, गलत नहीं है। अब मंदिर जाती हैं और मंदिर में दिया जलाती हैं, दिया जला करके आ जाती हैं, ठीक है, भक्ति भावना है। लेकिन आपने जो दिया मंदिर में जलाया है वो दिया प्रेम का दिया अपने हृदय में जला लो तो तुम्हारा मकान मंदिर बन जाएगा। मंदिर में दिया जलाने से तुम्हारी जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जलाती रहो जिंदगी भर मंदिर में दिया जलाते रहो तो तुम दुखी के दुखी ही रहोगी, यदि तुम्हारे हृदय में प्रेम का दिया नहीं जला है तो। और जिस दिन हृदय में प्रेम का दिया जलेगा, हृदय में भक्ति का दिया जल जाएगा, उस दिन घर मंदिर बन जाएगा, बाहर मंदिर जाने का आवश्यकता खत्म हो जाएगी। दुर्भाग्य यह है मंदिर में दिया जलाना सब जाको आता है, घर अपने हृदय में प्रेम का दिया जलाना लोगों को नहीं आ पाता है, भक्ति का दिया जलाना लोगों को नहीं आ पाता, इसीलिए तो सब दुखी हैं, इसीलिए तो सब पीड़ित हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इस मकान में या जहाँ आप रहते हैं उस मकान में आपको खाने को नहीं मिलता, रहने को जगह नहीं मिलती, पहनने को कपड़े नहीं मिलते, सब कुछ मिल रहा है, फिर भी आपके मन में पीड़ा क्यों है, आपके मन में उदासी क्यों है, भीतर आप खाली खाली अनुभव क्यों करते हैं, कारण क्या है? क्योंकि आपने पैसे को महत्व दिया, कपड़ों को महत्व दिया, गहनों को महत्व दिया, जमीन को महत्व दिया, प्रेम को महत्व नहीं दिया। और जब प्रेम को महत्व देंगे तो आपका घर मंदिर बनेगा और स्वर्ग बनेगा। एक छोटी सी कहानी है, एक आदमी बैंक गया, वहाँ देखा कि एक बुजुर्ग जिसे थोड़ा कम दिखाई पड़ता था कुछ भटक रहा था, कुछ खोज रहा था, बैंक में सब अपना अपना काम कर रहे थे। उस आदमी देखा कि ये बुजुर्ग कुछ पूछ रहा, लोगों से कुछ खोज रहा है, गया कि बाबा आप क्या खोज रहे हैं, क्या आपको कलम चाहिए, पेन चाहिए लिखने के लिए? उसने कहा बेटा मुझे दिखाई नहीं पड़ता, पैसा निकालना है, ये पैसा निकालने का स्लिप भरना है, स्लिप कैसे भरूं, क्या तुम मेरा स्लिप भर दोगे पैसा निकालने के लिए? कहा बाबा लाओ दे दो। स्लिप भर दिया, कितना निकालना है भर दिखा दिया, उन्होंने गया पैसा निकाला, पैसा ले लिया। कहा बेटा मुझे बराबर दिखाई नहीं है, दिन नहीं पड़ता, क्या ये मेरा पैसा गिन दोगे क्या? कि बाबा दे दीजिए। पैसा गिना, गिन कर दे दिए, फिर निकले बाहर, तो वो आदमी भी निकल गया साथ में। कहा बेटा गर्मी बहुत है, कहाँ रिक्शा खोदने जाऊँगा, क्या तुम मेरे लिए एक रिक्शा मंगवा दोगे क्या? उस आदमी ने कहा बाबा रिक्शा ज़रूरत नहीं है, मेरे पास कार है, चलो
जिधर आप जाना चाहते हैं उधर मेरा भी मकान आगे है, अपने कार में छोड़ दूंगा यदि आपको दिक्कत नहीं होती है तो। क्या बेटा अच्छे से चले? वो गया ले गया, और जब ले गया तो उतारा पुत्र के, बेटा आ जाओ। उसने कहा बैठाया, कहा बेटा ये भगवान का घर है और हम इस भगवान के घर में हम लोग यहाँ रहते हैं। वो देखो समझ नहीं आया कि भगवान का घर है कैसे है ये। बाबा ये घर तो आपका है ना, तूने कहा नहीं बेटा ये घर मेरा नहीं है, ये घर भगवान का है। लोग कहते हैं हमारे घर में भगवान भी रहते हैं, मैं तो कहता हूँ हम भगवान के घर में रहते हैं बेटा। जिस आपका आपके मन में जितने भी लोग हैं छोटे बड़े स्त्री पुरुष बूढ़े बालक, आपके मन में एक दूसरे के लिए प्रेम हो जाएगा ना तो आपका घर भगवान का घर हो जाएगा, श्री स्वर्ग बन जाएगा। मकान बनाना सबको आता है, बिल्डिंग बनाने आता, बंगला बनाना सबको आता है, लेकिन मकान को भगवान का घर बनाना, मकान को मंदिर बनाना, मकान को स्वर्ग बनाना, ये शायद किसी किसी को आता है। और जिसको आता है उसके जीवन से पूरा दुख विदा हो जाता है और जीते जी स्वर्ग में निवास करता है। लोग कहते हैं मरने के बाद कि अमुक भैया का स्वर्गवास हो गया, क्या पता तुम्हें, क्या तुम देख करके आए हो क्या? हो सकता है गए हो कुछ के साथ में स्वर्गवास रहते रहते तब कहते हो स्वर्गवास हो गया, देखे हो? जिंदगी भर वो लड़ता रहा, ईर्ष्या करता रहा, बैर विरोध करता रहा, क्रोध में गाली गलौज देता रहा, जीवन भर जी रहा था नरक में, मरने के बाद भगवान भूल गए उसे स्वर्ग में भेज दिया। जिस घर में सुबह से शाम तक तुतुमय में होती रहती है, लोग एक दूसरे से गाली दे करके बात करते हैं, कटुवानी में बात करते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, वह घर घर नहीं है नरक है। वहाँ नरक देखना हो तो उसी घर में चले जाओ। क्या खाते हो, कितना महंगा कपड़ा पहने हो, कितने महंगे गहने पकड़े शरीर में, कुछ नहीं होने वाला है काम, सब बेकार है। साधारण कपड़ा, साधारण भोजन, शरीर में एक भी गहना नहीं है, मन में प्रेम है, सेवा की भावना है, दया है, तो तुम्हारा घर स्वर्ग है। अब यही तो करना है। मंदिर जाते हैं, सोचते हैं कि वह मंदिर में कोई देवता है कोई देवी है, ठीक है तुम्हारी भावना जाओ, लेकिन थोड़ा एक अभ्यास करना, बताया होगा लोगों ने लेकिन मैं और बता रहा हूँ, थोड़ा एक अभ्यास करना, कल से शुरू कर दो। सुबह उठो और उठ करके दो मिनट भी बहुत है, भीतर पर बैठ जाओ और ये सोचो, एक भावना करो, कल्पना करो कि मेरा घर है, मेरा मकान भगवान का मंदिर है। इस यहाँ पर रहने वाले जितने भी नारियाँ हैं, जितनी नारियाँ हैं, माँ हो, बहू हो, सास हो, पत्नी हो, पुत्री हो, भाभी हो, ननद हो, देरान या जेठान कोई भी हो, जितनी नारियाँ हैं किसी भी उम्र में हो, किसी भी रिश्ते में हो, समझो कि ये देवी है, ये भगवती हैं। और जितने पुरुष हैं तुम्हारे घर में, पिता हो, पुत्र हो, पति हो, भाई हो,
देवर हो, जेठ हो, ससुर हो, कोई भी जितने पुरुष हैं, चाहे किसी रीति चाचा हो, भतीजा हो, जो भी है, समझो कि जितने पुरुष हैं सब देवता हैं, भगवान हैं। मेरा सौभाग्य कि मैं भगवानों के साथ निवास कर रहे हूँ या कर रहा हूँ। रोज एक बार सोचो तो, केवल दो मिनट के लिए सोचना। जितनी नारियाँ हैं, चाहे किसी रिश्ते में हो, किसी भी उम्र में हो, जितने पुरुष हैं वो भी किसी रिश्ते में हो, किसी उम्र में, सोचो ये देवी देवता है, भगवान भगवती है। रोज ऐसा सोचना और सोचना कि मेरा कितना सौभाग्य कि मैं देवी देवता के बीच में निवास कर रहा हूँ, या देवियाँ सोच, ये देवियाँ सोच ले कि मैं देवी देवता के बीच में निवास कर रहा हूँ, कर रहे हूँ, ऐसा सौभाग्य। एक बार महीना, केवल दो महीना अभ्यास करके देखना, दो महीना सोचना लगातार, और फिर होगा क्या, जो बड़े हैं अपने से, माता पिता हैं, सास ससुर हैं, दादा दादी हैं, या अन्य कोई बुजुर्ग हैं, उम्र में, पद में, मर्यादा में जो बड़े हैं, उनका आदर, उनका सम्मान, उनकी सेवा, जो रिश्ते में बराबर वाले हैं, पति पत्नी हैं, भाई भाई हैं, ननद भावज हैं, देवरान जेठान हैं, आपस में प्रेम, समता, एकता का व्यवहार, और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए स्नेह, करुणा, वात्सल्य, उनकी उचित देखरेख, उनकी उचित शिक्षा का पालन, सचमुच में तुम्हारा घर मकान जो है, मकान नहीं रहेगा, मंदिर बनेगा, और मंदिर नहीं रहेगा, स्वर्ग बन जाएगा, भगवान का घर बन जाएगा। ये करके देखो तो। लेकिन बात तो यह है, घर के लोगों को, सास को, बहू को, ननद को, भावज को, देवरान जेठान को देवी मान लें तो लड़ाई किससे करेंगे फिर? बात तो ये झंझट ही आती है, हैं? आखिर सास और बहू को, सास बहू को देवी मान ले और बहू सास को देवी मान ले तो झगड़ा कहाँ करेंगे फिर? इसलिए मंदिर, इसलिए देवी रहती है मंदिर में, यहाँ तो राक्षसी रहती है। बहू के लिए सास राक्षसी बन गई, सास के लिए बहू राक्षसी बन गई, अब तो लड़ाई लड़ना है, बन गया नरक। और फिर लड़ने के लिए कुछ चाहिए ना, पिता को देवता मान ले, पुत्र बेटा को देवता मान ले, भाई को देवता मान ले, चाचा को देवता मान ले, तो गाली गलौज कैसे करेंगे फिर, मुकदमाबाजी कैसे करेंगे? इसलिए देवता मंदिर में, और घर में तो राक्षस है, और चाहते हैं कि हम बड़े आराम से जिए, बड़े सुख से देते हैं, कहते क्या करें महाराज, भगवान हमें तकदीर खराब दी है। भगवान ने तकदीर खराब नहीं की है, तकदीर तुमने खराब की है। हर आदमी अपनी तकदीर खुद बनाता है और खुद बिगाड़ता है। बाहर कोई शैतान नहीं है जो तुम्हारे तकदीर को बिगाड़ता हो या बनाता हो, न कोई शैतान है न कोई भगवान, तुम्हारा मन, तुम्हारे विचार, अच्छे विचार हैं तो हर समय भगवान हैं, गलत विचार हैं तो हर समय शैतान हैं। अब साथ लेकर किसको घूमने चाहते हो? हर किसी के लिए, हर किसी के लिए तुम्हारा कोई बैरी भी हो, तुमसे कोई ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, तुम्हें कोई गाली देता है, उसके लिए भी अच्छी बात सोचो, उसका कल्याण हो, उसका भला हो, उसका मंगल हो, सुख से जिए, ऐसा सोचो, हर समय तुम्हारे साथ भगवान ही घूमेगा। और रास्ता जा रहे मने मन कोई है नहीं, अकेले हो, किसी को गाली दे रहे हो, किसी झगड़ा कर रहे हो, किसी को रहे हो, समझ लेना पीछे पीछे शैतान घूम रहे हैं। शैतान हम बनाते हैं और वही हमारी तकदीर को बिगाड़ देता है, भगवान हम बनाते हैं अच्छा सोच करके हमारे तकदीर को सुधार देता है। इन माताओं के गोद में बच्चे होते हैं क्योंकि ये जननी, जन्म देने वाली है, पालने पोसने वाली है। सोच लो कि अपने घर का वातावरण हम कैसे बना करके रखना चाहते हैं, कैसा जीवन देना चाहते हैं। या पुरुष लोग भी हैं, सोच लें अपने बच्चे को हम क्या बनाना चाहते हैं, हमारे संस्कार कैसे होते हैं।
छत्तीसगढ़ी में कहावत है, आप लोग सबको याद होगा वो कहावत, याद होगी, जैसन जैसन घर बा तैसन तैसन फरीका, और जैसन जैसन माँ बाप तैसन तैसन लड़का। तो आप क्या बनाना चाहते अपने को? अपने बुढ़ापा में अपने बच्चों से सम्मान पाना चाहते हो या अपमान पाना चाहते हो? सोचो, यदि अपने बुढ़ापा में अपने बच्चों से सम्मान पाना चाहते हो तो आप अपने से बड़ों को सम्मान देना शुरू करो, चाहे वो पिता हो, चाहे सास हो, चाहे दादा हो, चाहे दादी हो, चाहे अन्य बगल के जो पड़ोसी हो, उनको सब सम्मान देना शुरू करो, वो आपका बेटा देखेगा। और चाहते हैं कि मेरे बुढ़ापा में मेरा बेटा खूब अपमान करे, दो लात भी मार दे, तो वही व्यवहार का अपना शुरू कर दो। सोच लो कि क्या कर रहे हो, कौन सा बीज बो रहे हो। मेरा बेटा मेरे बुढ़ापा में मेरे पास आकर के थोड़ा बैठे और मुझसे प्रेम से बात करे, मेरी बात को सुने, तो आप अपने से जो बुजुर्ग घर में हैं उनके पास जा करके थोड़ा सा बैठो, उनकी बात को सुनो और प्रेम से बात करो, आपका बच्चा देखेगा, वो आपको बुढ़ापा में वही करेगा। और आप अपने बड़ों के साथ बुजुर्गों के साथ बैठते नहीं हो, उनसे कुछ बात करते हैं तो उखड़ करके बात करते हो, बच्चा सीखेगा वही। संस्कार क्या देना चाहते हो आप लोग? चाहें ये मकान तो बन गया है, अब रहना तो है ही, सबको व्यवहार करना है, यहाँ तो इनके बड़े बच्चे हैं जो और बैठे हैं, सब सोच लें। आप लोग चाहें, माता पिता चाहे, तो अपने बेटे को राम भी बना सकते हैं और बेटे को रावण भी बना सकते हैं। संस्कार तो राम को मिला था अपने माता पिता से, संस्कार को रावण भी इसको भी मिला था अपने माता पिता से। आप चाहें तो अपनी बेटी को सीता और सुमित्रा भी बना सकती हो, और आप चाहें तो मंथरा और सूर्पनखा भी बना सकती हो। आपके हाथ में, लिखना आप वाले हैं, लिखने वाले आप लोग हैं, क्या लिखना चाहते हैं सोच लेना एक बार। जो आप कर रहे हो ना घर में मकान में रह करके, जो आप बोल रहे हो, वो आप लिख रहे हो अपने बच्चों की जिंदगी में, वही मिलेगा अपने बुढ़ापा में। तो बात यह है कि हम लोग आज एक गृह प्रवेश की उपेक्षा में इकट्ठे हुए हैं। गृह में प्रवेश करना एक खुशी का माहौल होता है। नया मकान बना, पुराने मकान में रहते थे या किराए के मकान में रहते थे, पुराना मकान पुराने ढंग से बना था, नया मकान तो आदमी अपनी इच्छा से बनाता है, नए ढंग से बनाता है। नया मकान बनाया गया, संबंधियों को बुलाया गया, कुछ खुद कुछ आनंद मंगल हुआ, कुछ बाजा गाजा हुआ, कुछ आपस में खाए पिए, अच्छी बात। तो नया मकान आपने बनाया, अब इस नए मकान में आकर के कैसे रहना है, उसी पुराने ढंग से रहना है या नए ढंग से रहना है? पहले लड़ झगड़ करके रहते थे, अहंकार पूर्वक बात करके रहते थे, ईर्ष्या करके रहते थे, गाली गलौज करके रहते थे, अब उसको करना क्या है? अब प्रेम से रहना है, मीठी वाणी में बात करना है, झुक करके रहना है, दूसरों बात सुन लेना है, बस तब नया मकान काम आएगा। नया मकान के साथ साथ नया मन बनाना होगा, मन तो पुराना ही पुराना है, मन में तो वही पुराना मन, वही स्वार्थ, वही अहंकार, उसी पुराने मन को लेकर के नए मकान में आओगे तो भी वही दुख रहेगा जो दुख पुराने मकान में रहा है, क्योंकि मकान नया बना, मन नया नहीं बना,
मकान नया बना, व्यवहार नया नहीं बना, मकान नया बना, बोलना नया नहीं बना, सब तो पुराना है। तो नया मकान भी सुख नहीं देगा, कि किसी मकान वाले की बात नहीं, कहीं भी लोग बनाते। और ये मकान शरीर के आराम के लिए है, आत्मा का आराम के लिए क्या है, जीव का आराम के लिए क्या है, उसके लिए किसी को कोई चिंता नहीं है। उसी के लिए आवश्यकता है अच्छे विचारों की और सही ज्ञान की। अब वो ज्ञान और विचार बाहर कहीं मिलेगा नहीं। अब मंदिर जाकर पूजा करते रह जाओगे, मंदिर का भगवान आपको कभी नहीं कहेगा बेटा प्रसन्न रहो। मंदिर का बैठा भगवान कभी आज तक नहीं कहे होगा बेटा पूजा करने तो आए हो ना, घर में जा करके शांत रहना, सबसे प्रेम से बात करना। वो मंदिर भगवान नहीं कहेगा, तुम जिंदगी भर उसके सामने हाथ जोड़ते रह जाओगे तो कौन भगवान कहेगा, वो कोई संत कहेगा, वो कोई ज्ञानी कहेगा, कोई विद्वान कहेगा। मंदिर में जा करके आप कभी झगड़ा नहीं करते हैं। मंदिर में जाते हैं ना, एक व्यक्ति दो व्यक्ति पड़ोसी है और पड़ोस में दोनों झगड़ते हैं, बिना झगड़ा किए लोग एक दिन भी रह नहीं पाते, लेकिन संयोग से दोनों पड़ोसी एक साथ वो मंदिर में चला जाए ना, तो वहाँ दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे, एक साथ आरती कर लेंगे। और यदि एक साथ जब वहाँ जा करके पूजा कर लिए, प्रार्थना कर लिए, आरती कर लिए, और दोनों जो झगड़ रहे थे अपने झगड़ा वहीं छोड़ करके निकल गए बाहर, फिर आकर के प्रेम से गले मिल गए, तो मंदिर जहाँ सार्थक होगा। लेकिन मंदिर भगवान नहीं कहेगा बेटा जैसे तुम यहाँ से यहाँ प्रेम में बात कर रहे हो, आपस में साथ साथ पूजा कर रहे हो ना, ऐसे बाहर भी प्रेम से रहना, मंदिर भगवान नहीं कहेगा, वो कोई संत कहेगा। इसलिए उनके पास भी जाना के आप कथा करवा लेते हैं, अनेक लोग मकान बनाएंगे, कथा करवा लिए, सत्यनारायण माथा करा कर ये करवा लिए, लेकिन वो पंडित पुरोहित कभी नहीं कहेगा इस रहने वालों को, देखो तुम मकान बनाए हो, यहाँ प्रेम से रहना, समता से रहना, शांति से रहना, आपस में कर लेना। वो तो पूजा करा लेगा, दीक्षा लेकर चला जाएगा, उसके बाद तुम रात दिन लड़ो, चाहे झगड़ो, चाहे दुखी हो जाओ। कोई पंडित आपको नहीं बताएगा कि जीवन में कैसे रहना है, सुख से कैसे जीना है। तो शरीर के आराम के लिए तो आपने ये मकान बना लिया, अपने आत्मा का आराम के लिए वो ज्ञान का मकान, भक्ति का मकान बनाना होगा, और उसके लिए फिर अच्छी संगत चाहिए। कहीं के भी हों, कोई मत, कोई पंथ, कोई संप्रदाय के संत हों, सफ़ेद कपड़ा पहनने वाले, लाल कपड़ा पहनने वाले, जैसे कपड़ा पहनने वाले संतों के पास जाओ, उनकी बातें सुनना। लेकिन संतों के पास जाओ क्यों लिए, क्यों जाओ, ज्ञान मांगने जाना, जीवन को कैसे जिए इसकी सीख मांगने के लिए जाना। संतों के पास जा करके बेटा मांगने के लिए मत जाना, संतों के पास कोई बेटा नहीं होता है। मुकदमा विजय पाने के लिए मत जाना, रोग काटने के लिए नहीं जाना, वो ये संत नहीं करेंगे। और जो ये सब करते हैं संत के नाम पर आपको ठगने वाले होते हैं, ये भी याद रखना। सच्चा संत आपको बेटा नहीं देगा, मुकदमा में विजय नहीं करवाएगा, व्यापार में मुनाफा नहीं करवाएगा, वो तो आपको सही जीने की सीख देगा। और जो आपको बेटा देने का आश्वासन कहता है, मुकदमा में विजय दिलवाने का आशा करता है, व्यापार में मुनाफा कमाने के लिए आश्वासन देता है, वो संत के नाम पर आपको ठगने वाले हैं, ये भी साधारण रहना। मैं ये कह रहा था, जब तक एक तो मैंने अभी संतों ने बताया कि जब इस मकान में रहने वाले जितने भी लोग हैं आपस में जब प्रेम से रहेंगे, मिल बांट करके खाएंगे, क्या खाते हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे खाते हो, छीन करके खाते हो या बांट करके खाते हो, विश्वास है या नहीं है। यदि पति के मन में पत्नी के लिए संदेह है,
पत्नी के मन में पति के लिए संदेह है, भाई के लिए के मन में भाई के लिए संदेह है, पिता के मन में बेटा के लिए, बेटा के लिए के मन में पिता के लिए संदेह है, तो ये मकान मकान ही रह जाएगा, कभी भी घर नहीं बनेगा, और कभी न सुख की नींद आएगी, न सुख से जीवन जी सकेंगे लोग। जब पति के मन में पत्नी के लिए विश्वास है, पत्नी के मन में पति के लिए विश्वास, भाई के मन में भाई के लिए विश्वास, सास के मन में बहू के लिए, बहू के मन में सास के लिए विश्वास, पिता के मन में पुत्र के लिए, पुत्र के मन में पिता के लिए विश्वास, तो मकान घर बन जाएगा। अब तब जहाँ विश्वास है वहाँ सुख मिलेगा, वहाँ मन को भी आराम मिलेगा, तन को भी आराम मिलेगा। तन को आराम तो है, आप एसी लगा लो, मुलायम गद्दे बना लो, उसे मिल जाएगा, लेकिन मन को आराम नहीं मिलेगा। मन को आराम मिलेगा उसी प्रेम से, विश्वास से, स्नेहिल व्यवहार से, और स्वार्थ को छोड़ करके सेवा की भावना रखने से, अहंकार को त्याग करके विनम्र बन जाने से। जब इतना हो जाएगा तब मकान घर बन जाएगा और मकान स्वर्ग बन जाएगा, फिर तो जीवन में आनंद ही आनंद है। दुखरन जी और उनके साथी परिवार वालों ने मिल करके ये जो मकान बनाया है, अब आज प्रवेश हो रहा है, अब ये मकान मकान नहीं रहने से घर बन जाना है, और जब मकान घर बन जाएगा उसी के लिए संतों को बुलाया गया है कि मकान को हम घर कैसे बना लें। जितना जितना हम प्रेम का, सेवा का, उदारता का व्यवहार करते जाएंगे, उतना उतना ये मकान घर बनता चला जाएगा। एक बात और, मकान छोटा है या बड़ा है कोई बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है, साफ। अब ये सब देवियाँ भी, आप लोग भी अपने अपने मकान में रहते हैं, घरों में रहते हैं, छोटा है बड़ा है इसकी चिंता मत करना, सदैव साफ सुथरा रखना, चाहे किचन हो, चाहे टॉयलेट हो, चाहे हर जगह बिल्कुल साफ सुथरा। जहाँ जहाँ मक्खियाँ भीड़ मिलाती है, गंदगी होती है, वहीं वहीं बीमारी भी फैलती है। आपके घर में ज़्यादा बीमारी कहाँ फैलेगी, आपके टॉयलेट से और आपके किचन से। कई घर में हमें लोग जाना पड़ता है, देखते हैं सब लोग घर वाले खाली हैं, जूठा बर्तन किचन में पड़े हुए हैं, मक्खियाँ भीन भीन आ रही है, अब वो मक्खी उड़ कर वहाँ बैठ रही है, वहाँ बैठ रही है, वहाँ बैठ रही है, घर वालों को भोजन करवा रही हो या घर वालों को बीमारी के लिए निमंत्रण दे रही हो, सोच लेना एक बार। इसलिए साफ सुथरा। दूसरी बात, तुम्हारे दरवाजे पर कोई भी आ जाए, भिखारी भी आ जाता है, तो जो बने भिखारी को कुछ न कुछ दे दो, देने से तुम्हारा घटेगा नहीं। एक मुट्ठी चावल दे दो, नहीं है वो भूखा है तो दो रोटी दे दो, थोड़ा एक मुट्ठी भात दे दो, एक दो रुपया चार रुपये दे दो, तुम्हारा घटेगा नहीं, दोगे मिलेगा। तुम भिखारी को कुछ भी नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, मत दो, लेकिन प्रेम से कह दो, भैया हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। कभी भी भिखारी का अपमान मत करना। यदि भिखारी आया और आपने गलत दिया, गलत बोला, तो आप अपनी घर की इज्जत उस भिखारी के साथ बता रहे हैं कि हमारा मन कैसा है, हमारा मन में कैसा नरक चल रहा है। भिखारी का आदर नहीं कर सकते, उसे कुछ प्रेम से नहीं दे सकते, तो भिखारी को अपमान करने का अधिकार आपका नहीं है, याद रखना। भिखारी को गाली देने का अधिकार आपको नहीं है। लोग करते क्या हैं, भिखारी आता है और भिखारी आते ही तुरंत क्या करता है, आशीर्वाद देता है, भंडार भरा रहे, लक्ष्मी जी सदा सहाय रहे, बाल बच्चे सुखी रहे, बाल बच्चे आगे बढ़े। और लोग करते हैं, भिखारी को गाली देते हैं। भिखारी ज़्यादा सभ्य है या तुम सभ्य हो जाता? आप गाली देते हो और भिखारी आशीर्वाद देता है, अच्छा आदमी कौन हुआ? भिखारी अच्छा आदमी ना हमसे? अरे भिखारी को नहीं दे सकते कुछ, गाली तो मत दो, वो गाली मिलेगी, आदमी तो कल मिलेगी वापस लौट करके। प्रेम से कह दो कि बाबा इस घर में आपको कुछ मिलेगा नहीं, मेरे पास कुछ है नहीं। भिखारी बढ़ जाएगा आगे, मत देना मत दो, लेकिन
भिखारी को न तो गाली दो, न उसका अपमान करो, न उसका उसका अनादर या तिरस्कार करो। वो भिखारी का अनादर नहीं कर रहे हैं आप, भिखारी तिरस्कार नहीं कर रहे हैं, स्वयं का कर रहे हैं। वो मिलेगा कभी न कभी आज न कल। और आप बता रहा है कि इस घर में बढ़िया से मकान बनाए हैं, भिखारी आया और भिखारी देते लोग शुरू कर दे गाले बुदेना, तो भिखारी समझ जाएगा मकान तो बढ़िया बना हुआ है लेकिन घर बढ़िया नहीं बना हुआ है, घर में रहने वाले लोगों को रहना नहीं आ पा रहा है। इसलिए अपने घर की इज्जत अपने घर में रख लेना, तब फिर बात सदैव सुखी रहोगे छोटे बड़े पर पूरे परिवार वालों के लिए और आप सब लोगों के लिए। हमारी ओर से, हमारे समाज की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अब तक यदि अपने अपने मकान को घर नहीं बनाया है तो आज से अपने मकान को घर बनाना शुरू कर दें। अपने मकान को अपना घर नहीं भगवान का घर बनाना शुरू कर दें, अपने मकान को मंदिर बनाना शुरू कर दें और अपने मकान को सड़क बनाना शुरू कर देंगे, पूरा जीवन आप थोड़े पैसे में थोड़ी चीज़ में बड़े प्रेम से सुख से शांति से आनंद जिएंगे और अंतिम समय लगेगा कि मेरा जीवन बहुत आनंद से बीता और ऐसा जीवन सबको मिले, ये कामना आपके मन में रहेगी। इसलिए इस घर को और जहाँ जहाँ आप लोग रहते हैं सब अपने अपने घर को भगवान का घर बनाओ, भगवान का मंदिर बनाओ, फिर सदा आनंद आनंद रहेगा, सबके मन में प्रेम की गंगा बहती रहेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम, आप सबको धन्यवाद।